लबैक या रसूल अल्लाह, लबैक या रसूल अल्लाह। मुफ्ती साहब क़िबला के खिताब को अपने ज़हन नशीं करें, शेर सुनिए। निसाब-ए-अदल की तामीर को फारूक कहते हैं, वफाओ इश्क की तस्वीर को फारूक कहते हैं। जहां में आदिलो मुंसिफ जितनी भी जमात हैं, हकीकत में सभी के मीर को फारूक कहते हैं। हकीकत में सभी के मीर को फारूक कहते हैं। निजामे दीन सरवर कर दिया कायम जमाने में, नबी के दीन की तौकीर को फारूक कहते हैं। नबी के दीन की तौकीर को फारूक कहते हैं। इमामुल अंबिया ने उनको अपने रब से मांगा था, दुआए शाह की तासीर को फारूक। इमामुल अंबिया ने उनको अपने रब से मांगा था, दुआए शाह की तासीर को फारूक कहते हैं। नहीं है इसमें कोई शक, हकीकत है यही बेशक। नबी के नूर की तनवीर को फारूक कहते हैं, नबी के नूर की तनवीर को फारूक कहते हैं। बता दो कौन फारूक आजम, जरा मोहब्बत बोल लबैक या रसूल अल्लाह। खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं, जरा मोहब्बत बोलो सुभान अल्लाह। खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल व इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार को दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। आप लोग इधर दुआएं दे, खुल्द के राह के रहबर को उमर कहते हैं, अदल व इंसाफ के पैकर को उमर कहते हैं, अपने दिलदार के दिलबर को उमर कहते हैं, हम चमकते हुए अख्तर को उमर कहते हैं। जिसकी अख्तियार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। जिसकी अख्तियार को कुरान बनाया रब ने, हम उसी मर्द कलंदर को उमर कहते हैं। और आप तलवार उठाए तो समी कांप उठे, कुफर के दिल में छुपे डर को उमर कहते हैं। आप तलवार उठाए तो समी कांप उठे, कुफर के दिल में छुपे डर को, डर को सबकी आवाज। आप तलवार उठाए तो समी कांप उठे, कुफर के दिल में छुपे डर को, सबकी आवाज। क्यों नहीं आ रही, कोई शक है आपको? आप तलवार उठाए तो समी कांप उठे, कुफर के दिल में छुपे डर को। और मोहब्बत से उमर कहते हैं। मैं तो कहता मुफ्ती साहब क़िबला, इस जमाने के हाकिमों को चाहिए कुर्सी पाना आसान है। मैं तो कहता हूँ हजरत उमर फारूक आजम के अदल इंसाफ के दो तीन पन्ने तुम भी पढ़ लो, तुमको हुकूमत करने के लिए इंशाल्लाह हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि ज़ुल्मतों का औज पर जब हौसला आ जाएगा, बस क़यामत का उसी दम फैसला आ जाएगा, बेगुनाहों को न देगा फिर कोई मुंसिफ सजा, याद जब हजरत उमर का फैसला आ जाएगा, बेगुनाहों को न देगा फिर कोई मुंसिफ सजा, याद जब हजरत उमर का फैसला। कौन उमर, कौन उमर? वो उमर जो इस्लाम कबूल करने के बाद अबू जहल के दरवाजे पे आते हैं, कुंडी खटखटाया, आवाज़ें कौन? फरमाते उमर का क्या करने आए हो? कहते बताने आया हूँ कि मैंने नबी कलमा पढ़ लिया है, बताने आया हूँ कि मैंने नबी कलमा पढ़ लिया है। अबू जहल तेरे अंदर जुर्रत है तो रास्ता रोक कर दिखा। वही उमर हुजूर के पास आती है, यार रसूलल्लाह नमाज कहाँ पढ़नी है? मेरी आका फरमाते उमर अपनी तादाद कम है इसलिए नमाज छुप कर पढ़ते हैं। उमर ने कहा अब नमाज छुप कर नहीं खुलकर पढ़ी जाएगी, क्योंकि अब आप कदमों में उमर आ गया, वो उमर जिनके इंतकाल के बाद मदीने में बच्चों ने अपनी माँ से रो रो कहा था, ऐ माँ आज कयामत आ गई। क्यों? आज अदल इंसाफ का अलमबरदार दुनिया से जा रहा है। अल्लाह पर कौन उमर जिनके लिए अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी था, अल्लाह उमर को मेरे दामन भेज दे वरना इस्लाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। अब एक शेर सुन ले, फिर शब्बीर बरकाती साहब को शाबान बरकाती माइक बुलाएंगे इंशाअल्लाह। शब्बीर बरकाती साहब से मिला, देखिए जी जी माशाल्लाह, मुफ्ती साहब से मिला कर रहे हैं सारे बरकाती माशाल्लाह। शेर भाई देखिए आप शेर कि मदीने पर फरिश्ते बारिशे रहमत नहीं करते। मुझे क़िबला मैं ये वो शेर है, अभी मुंबई गया था पनवेल, इस शेर को 11 मरतबा पढ़ा गया था।
जी माशाल्लाह जी मुफ्ती अब्दुल्ला कह रहे हैं कि मुंबई वाले क्या इनसे अच्छा सुनते हैं, तो आप सुन के बता दो। सुनो मदीने पर फरिश्ते बारिशें रहमत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। मुझे मालूम है नाम तो खत्म हो गया है, बस शेर सुन लिया आप लोग। मदीने पर एक एक शख्स की मैं दाद चाहता हूँ, पीछे वाले आप भी। मदीने पर फरिश्ते बारिशें रहमत नहीं करते, मेरे सरकार मक्के से अगर हिजरत नहीं करते। उमर से काम लेना था खुदा को दीने अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पर बैयत नहीं करते। उमर कैसे नबी के हाथ पे सो गए? आप सो गए हैं? जितने लोग नहीं सोए हाथ उठाकर बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा को काम लेना था उमर से दीन अहमद का, उमर कैसे नबी के हाथ पे बैयत नहीं करे? कौन उमर? शायर ने कहा तुम्हें बताऊं कि क्या क्या मेरे उमर ने किया, खुदा के दीन को ऊंचा मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिश अशनाम के पुजारी थे उसी जमी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। जहां पे आतिश अशनाम के पुजारी थे उसी जमी को मुसल्ला मेरे उमर ने किया। जिसने भी हाथ लगाया किया मजबूत, कोई भी काम न कच्चा मेरे उमर ने किया। जिसे भी हाथ लगाया किया मजबूत, कोई भी काम न कच्चा मेरे उमर ने किया। अब आइए हजरात मोहतरम आलमी शोहरत याफ्ता शायर जिनको आज दुनिया मोहतरम भाई जनाब शब्बीर बरकाती के नाम जानती है। जरा सुभान अल्लाह बोल दिया। अभी वो बंदा शेर से आए हैं, बुजुर्गों ने फरमाया है उन आंखों को भी देखना इबादत है, कारे सवाब है जिन निगाहों ने गुंबदे खजरा देखा है, जिन निगाहों ने गुंबदे गौसे आजम देखा है। अब आइए मैं चाहता हूँ अपने अपने हाथ उठाएं उस अजीम लहजे के मालिक के इस्तकबाल कर लिया। उठाएं पूरा मजमा अपने हाथों को मोहब्बत से उठाएं, कोई भी हाथ नीचे न रहे, सब लोग उठाएं, सब लोग हाँ जरा मोहब्बत से बोल या हुसैन या अली या अली या अब्बास या अब्बास या अब्बास। अब लगाए नारा नारे तकबीर नारे रिसालत फैजाने गौसे आजम कॉन्फ्रेंस मस्तके आला हजरत हजरत कारी शब्बीर साहब की बुला बरकाती। नारे तकबीर नारे रिसालत मदीना छोड़कर मैं जा रहा हूँ करबो बचा के लाऊंगा, किसी में दम है तो रोक कर दिखाए मुझे, मैं लौट कर इसी रास्ते से आऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब तेरी सरकार मिलाता है रजा उसको सफी,
तेरी सरकार तेरी सरकार तेरी सरकार मिला तेरा रजा जो मेरा गौस वो मेरा गौस बगदाद वाला गौस बगदाद वाला गौस मेरा गौस बेटा तेरा तो पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल